है, तो मैं आरती टिक्कू जी आपसे समझना चाहूंगा, पिछली बार का नतीजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार जैसा वोटिंग ट्रेंड हमने देखा बहुत शानदार था, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर विधानसभा के चुनाव। आपको क्या लग रहा है 370 के बाद बीजेपी को फायदा हो रहा है वहां ग्राउंड पे? देखिए, बीजेपी ने कश्मीर में तो कंटेस्ट किया ही नहीं, तो ये तीन सीटों पे तो लड़ी नहीं, अनंतनाग, राजौरी, बारामूला, श्रीनगर, कश्मीर वैली जी, कश्मीर जी, उसमें तो कैंडिडेट नहीं उतारा, वहां तो उन्होंने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया। ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है। एक ही चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी को फायदा हुआ कश्मीर में, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए हैं इलेक्शंस में, जो सीट्स 5-5% पे लोग जीते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 10-10% 15% मैक्सिमम वो लड़के। मैं चाहूंगा कि अपनी बात कंटिन्यू करें उससे पहले राम बता रहे हैं कि और क्या आंकड़े इस वक्त एग्जिट पोल क्या आ रहे हैं। राम, बिल्कुल, एनडीए को 342 सीट का अनुमान है, ये बता रहा है पोल स्प्लिट का, जो ये देखिए तस्वीर हमारे सामने आ गई है, एनडीए को 342 और INDIA को 166 सीट, ये है एक नया एग्जिट पोल। और ये एग्जिट पोल भी ये बता रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और 342 तक ये आंकड़ा जा रहा है, पिछली बार से थोड़ा सा कम है। अगर पिछली बार सारा एनडीए का कुनबा आप जोड़ देंगे तो 353 तक गई थी, और 303 जिसमें बीजेपी की अपनी सीटें थी, और इसको आप 353 से अगर थोड़ा बहुत घटाएंगे तो 342 तक ये एग्जिट पोल जा रहा है। कुछ सीटों का नुकसान इसमें नजर आ रहा है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि 272 से कहीं आगे की बात हो रही है, 342 सीट इस वक्त नजर आ रही है इस एग्जिट पोल में, और 166 जो है वो INDIA को मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 35 सीट। प्रत्युष जी, प्लीज कंटिन्यू। आते टिकू जी, तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर जो कि सबसे कॉन्फ्लिक्ट रीजन कश्मीर था, वहां पे बीजेपी ने अपने आप को टेस्ट नहीं किया, इनफैक्ट वहां कांग्रेस ने भी अपने आप को टेस्ट नहीं किया, रीजनल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वही वापस से इलेक्शन में खड़ी हुई, PDP इलेक्शन में खड़ी। इसका मतलब बीजेपी को वहां अपना संगठन खड़ा करने में बहुत समय लग जाएगा। कांग्रेस का संगठन था लेकिन उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तक छोड़ दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि जम्मू में जो दो सीटों पे टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की, मुझे लगता है बीजेपी दोनों सीट निकाल लेगी। 370 का जो इम्पैक्ट है वो बीजेपी को जम्मू में दिखाई देगा। लद्दाख में देखिए डिलिमिटेशन हुआ है वहां कश्मीर में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि आपको 30 सितंबर से पहले वहां स्टेट के इलेक्शन कराने हैं एंड यू हैव टू रिस्टोर स्टेटहुड, ये दो ऑर्डर थे कि एक तो आपको इलेक्शन कराने हैं और दूसरा आपको स्टेटहुड रिस्टोर करने हैं। अब जो तीन सीट वैली में है, अनंतनाग, राजौरी एक सीट है, वो ही है जिसमें टक्कर है, क्योंकि उसमें महबूबा मुफ्ती NC के मियाँ अल्ताफ के अगेंस्ट खड़ी हैं, और जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें तीनों सीट NC को दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि महबूबा मुफ्ती मियाँ अल्ताफ से अनंतनाग में हार रही है, मतलब महबूबा मुफ्ती इज अ सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, ये आप समझ लीजिए, शी इज अ सॉफ्ट सेपरेटिस्ट। PDP का जो मतलब स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्ट है, वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है। तो अगर NC के खिलाफ महबूबा हार जाती है और आगे हम सोच रहे हैं कि एक स्टेट इलेक्शन होने वाला है, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। मतलब इसका फायदा NC को स्टेट असेंबली इलेक्शन में मिलेगा। NC जो है वो लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे समर्थन की, उसके अलायंस पार्टनर लड़ रहे हैं। तो ये 4 तारीख को जब हम लोगों का रिजल्ट आएगा तो 370 धारा लगाया है उसका जनता ने कितना समर्थन किया है, वो अगर विपक्षी पार्टी NC जीतती है तो वो देखना होगा, और भारतीय जनता पार्टी जिसको समर्थन, लिटमस टेस्ट होगा, क्या लिटमस टेस्ट होगा वहाँ वैली में कि ये बहुत उत्साहित होकर वोट दिया गया है, बहुत ज्यादा निकले हैं, तो ये देखना होगा कितना लोग निकल कर और जन समर्थन दिया है, नरेंद्र मोदी जी को कितना जन समर्थन मिला है वहाँ पे, अपनी पार्टी,
ये फ्रेमवर्क जो है ये गलत है कि जब बीजेपी ने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया कश्मीर में तो अलायंस अपनी पार्टी के साथ अलायंस है पार्टी अपनी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का कोई वजूद नहीं अपनी पार्टी अभी अलायंस पार्टनर बनाया ना वहाँ पे अपनी पार्टी के साथ उसका वजूद नहीं है। हाँ वजूद नहीं है और बीजेपी और अपनी पार्टी का जिस तरह से बाकी जगह अलायंसेस हुए वैसा नहीं है। अब देखिए लद्दाख में भी जो इंडिपेंडेंट है वो जीतेगा और वैली में एनसी जीतेगी और जम्मू रीजन जो डिलिमिटेशन की वजह से बदला गया है उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है दो सीट में। एक जीतेंद्र सिंह वाली सीट पर टक्कर है वो जरूरी नहीं है कि बीजेपी की टक्कर है रिजेक्ट किया जा सकता है। जम्मू रीजन में कहा जाता है कि बीजेपी का अच्छा होल्ड है जम्मू रीजन में। हाँ, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी जितना मजबूत स्थिति में है हर उनका एमएलए जो है एमपी जो है उतना ही मजबूत स्थिति में नहीं होगा। कुछ तो कुछ अच्छा मैं जरा देखिए एक और बड़े स्टेट की बात कर लेता हूँ। मैं महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ जी। महाराष्ट्र में हमने जो देखा शिवसेना फिर शरद पवार का गुट अलग अजीत पवार का गुट अलग। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी साथ थी नतीजे सबके सामने। इस बार सब कुछ अलग अलग। आपको लग रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि वहाँ पे दोनों पार्टियां थी वो ब्रेक हो गई। जो शिवसेना थी वो दो शिवसेना हो गई, जो एनसीपी थी वो दो एनसीपी हो गई। अब दोनों लोग की असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है इसकी लड़ाई है। तो वहाँ पूरा वोट शेयर जो है वो एक नया आना है उस स्टेट में। दूसरा चीज है जिस हैसियत से वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा था, जो पिछले 10 साल तक लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पार्टी ऑफ डिफरेंसेस थी, एक ईमानदार पार्टी थी और जो उनके विपक्ष में लोग थे वो उल्टा वहां हो गया। जिन लोगों को कोसकर जिनकी भर्त्सना करके वो उस पार्टी में सत्ता में आए उन्हीं लोगों को फिर से चाहे वो छगन भुजबल हों या अजीत पवार हों या प्रफुल्ल पटेल हों या अशोक चौहान हों इन सब तमाम लोगों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है बोलती रही है और शिवसेना बोलते रहे। अब उन लोगों को एक पार्टी में शामिल कर लिया गया तो वहां एक नया इलेक्टोरल डायनेमिक्स देखने को मिलेगा। अब 4 तारीख को ही पता चलेगा क्योंकि वो एग्जिट पोल भी आए हैं वो भी बहुत अस्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस कोई एग्जिट पोल इस दिशा में जा रहा है कोई उस दिशा में जा रहा है कोई एनडीए को। एक बात यहां पर समझनी होगी कि बीजेपी के जो पुराने अलायंस हैं जो उनके पुराने सहयोगी हैं जैसे आप शिवसेना को देख लीजिए आप बिहार में जेडीयू को देख लीजिए अकाली को मतलब लोग कहते हैं कि जैसे कि चाय और चीनी का और दूध का कॉम्बिनेशन है लगभग वही कॉम्बिनेशन है। आप अलग होते हैं फिर एक हो जाते हैं। शिवसेना के साथ अलग हो क्या वो अलग के बाद आप कहें कि सिंधे गुठी असली शिवसेना है लेकिन यहां तो टेस्ट होगा ना क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हैं शिवसैनिक ये हमारे साथ क्योंकि ये विरासत है हमारी। बिल्कुल सही आपने बोला जो सैनिक है वो अभी भी शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे को ही मानता है मातोश्री को मानता है। जो जमीनी सैनिक है जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता है शिवसेना का सैनिक है वो सैनिक अभी भी मातोश्री के सामने ही माथा टेकता है। अब वो सैनिक वोटर को कन्विंस कर पाएगा कि यही उद्धव ठाकरे ही असली इनहेरिटर है मेंटल ऑफ बाला साहब वो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आएगा क्योंकि देखिए इसके पहले चुनाव आयोग फिर कोर्ट तक मामला गया कौन असली शिवसेना मुहर लग गई भाई आप असली शिवसेना लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट बताएगा असली शिवसेना कौन है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जरूर दिखाएगा कि असली शिवसेना कौन है। और जहाँ तक मुझे समझ आता है जो सिंबल वो आपने सही बोला जो सिंबल मिला इलेक्शन सिंबल मिला इनफैक्ट वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी इस इलेक्शन में क्योंकि वोटर जो है आप सिर्फ अर्बन वोटर को नहीं लीजिए सबसे ज्यादा वोटर्स आपके अभी भी रूरल में ही है महाराष्ट्र में। और जब वो जाके चिन्ह देखता है इलेक्शन चिन्ह देखता है तो उसको एकदम समझ आता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। तो मुझे लगता है वहां पे वो एकनाथ शिंदे जी को मुझे लगता है फायदा होगा। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस चुनाव के नतीजे के बाद गठबंधन को लेकर असली गुट कौन नकली गुट कौन वो बहुत सारी तस्वीर इस बार के रिजल्ट जो है वो साफ कर देंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं लेकिन एग्जिट पोल के एक एक आंकड़े एनालिसिस के साथ जी न्यूज पर लगातार जारी। जल्द लौट रहे हैं।